प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान नेताओं को खुला ऑफर दिया है। ये ऑफर फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करने का है। 22 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच अंतिम बातचीत हुई थी। पीएम ने कहा कि 22 जनवरी को कृषि मंत्री ने कहा था कि बातचीत के लिए वो किसानों से महज एक फोन कॉल दूर है। सरकार का रुख आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। दरअसल कल सर्वदलीय बैठक थी जिसमें मोदी ने साफ कर दिया कि किसानों से बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। सरकार के ऑफर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बयान जारी किया है, कहा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दरवाजा बंद किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि वो सरकार को झुकाना नहीं चाहते हैं। किसान आंदोलन का हल बातचीत से ही निकलेगा और सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। राकेश टिकैत के साथ साथ बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी बड़ी बात की। नरेश टिकैत ने कहा कि एक दो दिनों में धरना खत्म हो जाएगा। मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इसका समाधान बातचीत से होना चाहिए। 2 महीनों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, सरकार और किसान नेताओं के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी, जिसके बाद देश ने 26 जनवरी का बवाल देखा और अब दोनों ने फिर से बातचीत की टेबल का रुख करने का फैसला किया है। इस बार बड़ा बयान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया। न कोई मंत्री, न कोई नेता, सीधे प्रधानमंत्री ने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं को बातचीत का ऑफर दिया है। पीएम ने साफ साफ कहा कि भले कोई कितनी भी गलतफहमी फैलाए, लेकिन सरकार के मंत्री और किसान नेता के बीच महज एक फोन कॉल का फासला है। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इसका समाधान बातचीत से होना चाहिए। पीएम ने साफ कर दिया है कि 22 जनवरी को जहां किसान और सरकार के बीच बात रुक गई थी वो अब जारी रहेगी। खुद प्रधानमंत्री ने जब बातचीत से समाधान निकालने की पहल की तो किसान नेताओं ने भी नरमी दिखाई। कल तक सरकार से आर पार की लड़ाई की बात करने वाले गाजीपुर मोर्चे के मुखिया राकेश टिकैत के सुर अब बदले हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि वो शांति से समझौता चाहते हैं, सरकार किसान नेताओं से बातचीत करे। हम शांति से समझौता चाहते हैं, हम शांति से समझौता चाहते हैं, शांति से समझौता हम चाहते हैं। हमारी अपील है कि भारत सरकार हमारे से बात करे, जो इशू है हमारे उस पर बातचीत करे। लेने वाली सरकार ही है, उसी से हम लेंगे, कोई विपक्ष वाले नहीं है कि विपक्ष हम देंगे। कि भारत सरकार जो इशू हमारे हैं उस पर बातचीत करे, उनकी कोई मजबूरी है वो हमसे शेयर करे। हम भारत सरकार का भी सम्मान रखेंगे, उनकी कोई मजबूरी है वो हमको बता रहे। हम नहीं चाहते कि देश की सरकार भी झुके पूरी दुनिया में, ना हमारे देश का नाम भी ऊंचा रहेगा,
इस किसान का नाम भी ऊंचा रहेगा और भारत सरकार को भी हम पूरी दुनिया में झुकने नहीं देंगे। सरकार भी लगातार यही कह रही है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं है, समस्या का समाधान बातचीत ही है। बातचीत से ही करेंगे, समाधान निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे समाधान। राकेश टिकैत सरकार से बातचीत को तैयार है तो उनके भाई नरेश टिकैत का तो यहाँ तक कहना है कि एक दो दिन में किसानों का धरना खत्म हो जाएगा। ऐसा धरना भी उठ जाएगा, एक दो दिन बाद धरना भी उठ जाएगा, चार दिन बाद उठ जाएगा, फैसला हो जाएगा। फैसले में प्रयास में लग रहे, जो भाजपा में जो जिम्मेदार है वे भी इसमें लग रहे, भाजपा की छवि खराब होने लग रही। अच्छी तरह तो बात करो, इंसानियत की तरह तो बात करो, किसानों की कुछ खता है तो उन्हें बताओ, जबरदस्ती तो किसानों को क्यों करेंगे भाई। 26 जनवरी के बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच समझ का समीकरण भी बदल गया। हिंसा से हालात इतने तेजी से बदले कि समझौते की आस दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही थी। अब जब खुद प्रधानमंत्री ने बातचीत सलाह मशविरे का रास्ता खोला है तो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी बातचीत जारी रखने की बात कही, लेकिन दोहरा दिया कि पुरानी शर्तें लागू रहेंगी। मोर्चा के नेता दर्शनपाल सिंह ने कल रात एक बयान जारी करके कहा, किसान अपनी निर्वाचित सरकार से बातचीत करने के लिए दिल्ली के दरवाजे तक चलकर आए हैं, इसलिए किसान संगठनों का सरकार से बातचीत का दरवाजा बंद किए जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यूनियन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने की अपनी मांग जारी रखेगी। संसद का सत्र शुरू होने से पहले कल सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस, टीएमसी और दूसरे दलों के नेताओं ने कृषि कानून और किसान आंदोलन पर संसद में बहस कराने की मांग की, जिस पर सरकार सहमत हो गई। विपक्ष का आरोप था कि कृषि कानूनों को जल्दबाजी में पास करवाया गया है, लेकिन अब सरकार ने विपक्ष की मांग को मान लिया है। अब संसद में कृषि कानूनों पर चर्चा की जाएगी। फार्म बिल के बारे में वगैरह, फार्मर्स का इशू के बारे में चर्चा होना चाहिए, ये भी डिमांड उन्होंने रेज किया है, उसके लिए भी हम सहमत हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है, हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। कृषि कानूनों पर सरकार संसद में बहस को तैयार है, लेकिन विपक्ष की भी जिद वैसी ही जैसी किसान संगठनों की। देखिए, हमारा तो मांग साफ है, हमारा गुहार साफ है, रिपील करो, बस खत्म हो जाएगी। 5-6 वाट रिपील, REPEL, 6 वाट की जरूरत होते हैं, रिपील खत्म। 6 वाट की जरूरत होते हैं, रिपील 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 खत्म। निर्णय सिर्फ एक मांग रहे हैं किसान, तीनों काला कानून वापस लो, उनका वन लाइनर है। वो कह रहे हैं कि डेथ वारंट में संशोधन नहीं हो सकता है, डेथ वारंट वापस होता है, और किसान इस कानून को अपने लिए डेथ वारंट मानता है, तो वो तो साफ तौर पे कर रहे हैं। और आप कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है, कल बजट पेश होगा और उसके बाद किसानों के मुद्दे पर बहस हो सकती है, जो बेहद हंगामेदार भी हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी की इस पहल से उम्मीद जगी है कि 2 महीने से बंद पड़े बॉर्डर अब खुल सकते हैं और सड़क पर धरना दे रहे किसान अपने अपने खेतों का रुख करेंगे। विजय लक्ष्मी और दीक्षा पांडे के साथ देवेंद्र पाराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।